सेठ की संस्कारिक छोटी बहू। एक सेठ के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। छोटी बहू संस्कारिक माता पिता की बेटी थी। बचपन से ही अभिभावकों से अच्छे संस्कार मिलने के कारण उसके रोम रोम में संस्कार बस गया था। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते थे। जेठानियां केवल खाना बनाती थी, उसमें भी खटपट होती रहती थी। छोटी बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, प्रेम से मिलजुल कर करना चाहिए। अपना काम स्वयं करने स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने भी युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन उसने प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न हुए। इसके बाद सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी इच्छा जेठानी है, वे खाना बनाएंगे। बहू बोली, माँ जी कोई भूखा अतिथि घर आता है तो उसको आप भोजन क्यों कराते हैं? बहू शास्त्रों में लिखा है अतिथि भगवान का रूप होता है, भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वालों को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि भगवान का रूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का रूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो सभी में है। अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी। मैंने जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रखकर रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर ली तो मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त और प्रसन्न हो गए तो कितनी खुशी होगी। इसलिए माँ जी आप रसोई मुझे बनाने दे, कुछ मेहनत करूंगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक ही कहती है, हम इसकी सबसे छोटी समझते थे पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है, बहू संस्कारिक भी है। अगले दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी आप क्यों कष्ट करती हैं? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी, मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी इसमें पुण्य की क्या बात है, यह तो घर। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप मिलेगा? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सभी बहुओं को लगा कि इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहुए पहले जाग जाती थी वही रसोई बनाने लगती। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना बारी बारी बची थी, अब मैं बनाऊंगी यह भाव पैदा हुआ तो 8 बारी बध गई तो बढ़ गए सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता, आदमी कम हो जाते हैं तो मैं करूँ इससे काम हल्का हो जाता और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साहित सोचा, अब तो रोटी बनाने चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए? घर में गेहूं पीसने की चक्की थी, उसने उससे गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता था, उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती थी, जबकि हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है, तभी उसकी रोटियां स्वादिष्ट होती। छोटी बहू ने गेहूं पीस कर उसकी रोटियां बनाई तो सब कहने लगे कि आज रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है, अपने पास पैसों की कमी है क्या? माँ जी हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम होता है और बीमारी नहीं होती, दूसरे रसोई बनाने से भी ज्यादा पुण्य गेहूं पीसने से होता है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो उन्हें लगा कि बहू ठीक ही कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगे। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2 से 2.5 सेर गेहूं पीसने लगी। इसके बाद छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है, अपने जूठे बर्तन खुद साफ करने चाहिए क्योंकि सब में ईश्वर का वास है तो कोई दूसरा हमारा जूठा बर्तन क्यों साफ करे? अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू जरा सोचो, बर्तन मांजने तुम्हारे गहने घिस जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी काम जितना छोटा होता उतना ही उसका महत्व ज्यादा। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पत्तले उठाने का काम किया था। अगले दिन सास बर्तन मांजने बैठ गए, उन्हें देखकर सभी बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था। एक दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी।
सास ने पूछा, बहू झाड़ू तुमने क्यों लगाई? माँ जी आप मत पूछिए, आपसे कुछ कहती हूँ तो आप मेरे हाथ से काम चला जाता, झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का, तुम क्यों लगाती हो? माँ जी रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले साबरी की कुटिया में गए थे, क्योंकि साबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, पंपा सरोवर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ न चुभ जाए। सास ने देखा कि छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सभी बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ कलह होती है वहाँ निर्भरता आती है। सास को बहू की बात दिल को छू गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी और आस पास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों का फीस मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, अगर यह किसी के काम आ जाए तो अच्छा है ना? ना जाने कब मौत आ जाए, उसके बाद यह सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना अपने हाथ में पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। पहले वह नौकरों को कुछ देते थे तो सेठानी लड़ पड़ती थी, अब कह रही है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो यह देखकर बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा, उनके घर भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को संस्कार से मिली सूझ बूझ ने उसके घर के साथ साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। दोस्तों आप लोग कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।